में अशो नियम थो कि कोई भी अगर लड़ाई युद्ध करने जातो तो भी थोड़ी देर पहले एक शक्ति बनाई थी नी भगवान शिव ने, तंत्र मंत्र की जानने वाली कौन थी वह शक्ति? लाडूली कुमारन। हाँ साहब कथा तो बिल्कुल सुन रहे आप। अब उन्हीं गांव को अशो नियम थो के उन्हीं लाडूली से पूछिया बिना कोई लड़ाई करने नहीं जाता। वह कही देती के जाओ लड़ियाओ जीत वेगा तो जीत वही जाती, और कही देती के लड़ने मत जा जो हार वेगा फिर भी जाता तो हकीकत में हार होती। वह जो बात उन्हीं गांव में बताई देती वह बात बिल्कुल 101% सत्य रहती थी। नीमदेव लाडूली के घर गए, पूछा बहन मेरा किसी ने बाग का नुकसान कर दिया, हमारे बागवान को मारा है, आप बताओ कि हम वहां जा रहे हैं युद्ध करने तो हमारी जीत वेगा के हार वेगा। लाडूली कहने लगी, ध्यान लगाया तो लाडूली का ध्यान में इनकी हार लिखाई रही, बगड़ावतुर की जीत 24 मई की। लाडूली ने विचार करियो, हम इनके ही राज्य में रहते हैं, अपना गांव का राजा साहब का भाई है ही, और इनकी मैं हार बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हां और ना का बीच में यूं कही दे के तुम्हारी हार है तो बुरो लगे, और यूं कही दे के जाओ जीती जाओ तो बात झूठी निकले। लाडूली ने ताली बजाई, एक वहां स्वर को प्रकट कर दिया, सुवर, कि ये सुवर उधर बाग में भागा हुआ जाएगा, अगर आपके फौज के हाथ से मारा गया तो आपकी निश्चित जीत होगी, और ये सुवर अगर उन वगड़ावतों में से किसी भी भाई ने समाप्त कर दिया तो फिर उनकी जीत निश्चित है, हार जीत को फैसलो अब मुंह नहीं करूंगा, यो सुवर करेगा, आप मार दोगे आपकी जीत है, और वो मार देंगे उनकी जीत है। कि ठीक है, सुवर का साथ में ही दौड़िया, सुवर बागो बागो कहां गयो जहां बगड़ावत उस बाग में थे, एक दीफोर वैगी अनके सुवर का साथ में दौड़ते दौड़ते कतरी एक दफोर वैगी, पर सुवर नहीं मरे। नया जी ने सवाई भोज से पूछा, भैया यहां पर ना तो होली है ना दिवाली है ना कोई वार त्योहार है, ये बाग में भागे भागे कौन फिर रहे हैं? जय हो। उस समय कह दिया कि बागा बागा फरीरियानी राणा जी का भाई है, इनको नाम कहिए कि नीमदेव पड़ियार, कि ये क्यों भागा फरीरिया के सुवर की शिकार कर लिया, कि फिर सुवर इनसे क्यों नहीं मरी रही, कि सुवर माया रूपी है और माया को मारने के लिए भक्ति और शक्ति की जरूरत होती है। जय हो। नया जी बोलिया, दादा भगत तो आप और शक्ति तुम्हारी घोड़ी है। क्या कहा? भक्त तो आप हैं और शक्ति आपके पास में घोड़ी है, क्यों ना इस सुवर को आप ही मार दो। सभी बोलिया मैं नहीं। नया नयो जी बोलियो कि दादा छोटी मोटी भक्ति तो मैंने भी करी होगा, तुम्हारी घोड़ी दे दो, सुवर तो थोड़ी देर में ही मार दूंगा। भोजा जी ने कह दी जा मार दे जो, कहां देर भाई घोड़ी पे बैठो, जो घोड़ी भागी बहुड़ी भवानी शक्ति को अवतार को दे घोड़ी नोनो ताल। हाँ। अवन छे गड़ा भरे डाण लाला जड़ी लगाम मोतिया भरना ताजना, घोड़ी चाले बावन चाले और चाल रही पवन के समान, करे बादला से बात, तुम्हारे सामने की बात अपने ने देखी है। हाँ फटाफट के नु की जो हो तो मैं की कई मालूम देखी रहा वैसे ही। उस समय
घोड़ी वो सुअर ऐसे सामने से आ रहा था, घोड़ी शॉर्टकट में निकली, अड़बजऊ कहता होगा, घोड़ी सामने से जो भागी सुअर के पास में पहुंची और नया जी ने बराबरी पे आते बराबर सुअर को भाला मार दिया। सुअर का राम नाम सत्य हो गया महाराज, जय हो। अब सुअर तो मरी गो, विद फोर का भागा भरी रहा था, आखो धन वही गो था बन के राणा जी की फौज वाला हो रहे, तो भी मरिया सुअर के मारे यश लेने के लिए। के स्वर मैंने मारियो, कोई उन्हें मरिया स्वर के लाकड़ी की देर, कोई बंदूक की देर, कोई बाठा की देर, कोई बंदूक का कुंदा की देर। एक कहने लगा स्वर मैंने मारा, दूसरा कहने लगा मैंने मारा, तीसरा कहने लगा मैंने मारा। गंगाराम जी प्रभु जी के नहीं, हमें दो ही आज मारियो। हाँ, बाकी कहते ना जो राजा होते हैं वो प्रजा के साथ नियाव करते हैं, एक समय की बात है, एक बादशाह थो और बादशाह के बीरबल थो, बादशाह को जो भी काम रहे तो वो बीरबल से पूछतो, ध्यान से सुनना। बादशाह बोलियो के बीरबल कि हाँ बादशाह साहब कि मुझे आज आपके पिताजी से मिलना है। केने कही बादशाह ने बीरबल से कही कि मुझे आपके पिताजी से मिलना है। बीरबल बोलियो मार पिताजी तो मैं ही काफी हूं। कि नहीं नहीं मुझे मिलना, बादशाह साहब को आदेश। बीरबल ने मानियो, दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गए। पिताजी हाँ आपसे आज बादशाह मिलना चाहता है। हरिओम, आज आपसे बादशाह मिलना चाहता है। पिताजी बोले दादा मुंह कहीं करूं, अरे उन्हीं बादशाह साहब का सामने मारे मारती कहीं बात पे। के बादशाह जो भी पूछे नहीं तो सपा मौन रीजो, आपने कहीं नहीं कहनी, खाली जैन उबा रही जाज, बाकी सब हूं देखी लूंगा। बीरबल का पिताजी बादशाह के पास गया, आओ बैठो और बढ़िया नहीं बोले, कहिए सब खैरियत तो है। घर पे बच्चे लोग कैसे नहीं बोले, आप कैसे हैं ये तो कह दो, नहीं बोले बीरबल को बाप। बाशु परेशान हुई, वो 5-10 मिनट तक बोलियो, एक मुकारो भी नहीं करियो। बादशाह ने कहा बीरबल कि कभी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, कि जो मेरे पिताजी कर रहे हैं ये करना चाहिए। बादशाह से कहा कि जो मेरे पिताजी कर रहे हैं ये करना चाहिए। तो महाराज उस समय सब अपनी अपनी बड़ाई करने लगे, तो राणा जी का भाई वो राजा से छोटा भाई था राजनीति को, वो भी जानता था, जाकर के कहा ए भैया आप सब झूठ बोल रहे हो, इस सुअर को तो उसने मारा है कि किसने, कि वो घोड़ी के पास में खड़ा है, चलो उनसे मित्रता करते हैं। पास में नया जी के गया और जाकर के कहा जननी जने ऐसा जन के दाता के सूर, नी तो रीजे माँ बांजड़ी मत गमाजे तन को नूर। धन्य है भाई आप, कौन नगर का वीर बता बलधारी, तने अजब गजब की चोट सुअर का ऊपर मारी, तूने कैसे सुअर को मारा, धन्य है तेरे मात पिता महतारी। जय हो। नया जी ने कहा नहीं महाराज मैं तो एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूं, हमारे गांव का नाम गोठा है, मेरा नाम नया जी है, नेवो जी मारो नाम सवाई भोज को भाई, भेड़ियो जनानो बाग माली के मारियो सुवर मैंने मारियो करो मारो काई। जय हो।
नीमदेव ने विचार करियो कि लाडूली ने कहा था अगर वो पार्टी वाले सुअर मार देंगे तो जीत उनकी है, अब तो लड़ने का तो कोई चांस नहीं है, इनसे दोस्ती कर लो, जहां नहीं खपे वहां दोस्ती कर लो। नीमदेव ने अपने कान में से एक तोंगल जेला गोखड़ू सोने का था पहनने का, कान में तोंगल बोलते हैं जिसको राजस्थानी भाषा में, तोंगल निकालियो सोना को, और वो नया जी का कान का निकाल करके तो नीमदेव ने पहन लिया और नीमदेव के कान का नया जी को पहना दिया और कह दिया कि हम तोंगल बदल भाई हैं, कि ठीक है भाई भाई बन गए। कहा आपने हमारे भगवान को क्यों मारा, कि वो था को भगवान जानी माजना को है, क्यों फाटक के लिए निवेदन करियो नी खोलियो, फिर सोना की मोर ले ली फिर नी खोलियो तो फिर दो ही पार्टी से बेईमानी करे वो, कि फिर आपकी कोई गलती नहीं है, पधारो प्राण में आपका स्वागत है। सचू भाट जी केवा लगे मैंने की थी नहीं कि तो जिंदगी भर को बेवार नहीं तो जीवन भर को बेर, चलो दोस्ती कर लो। अब राण में गया बगड़ावतों के पास में, लाख लाख की घोड़ी सवा सवा लाख का श्रृंगार, घोड़ियों पर असल जरी की मोजड़ी है, सिर पे पचरंग पाग है, बगल में भोज के सोरठली तलवार है, चंद्रवती कुड़ का छोचू भाट चमर ढोला रहा है, असरपी का तोबरा भरिया घोड़ियों के ऊपर। जैसे ही वहां पहुंचे राण के राजा ने इनका अच्छा स्वागत और सत्कार किया, पधारो सा खमा घणी था को आदर है सम्मान। अरे गढ़गोठा का मतवाड़ा महाकी राण नगर के महाये, आज भलो उदय होयो सूर्य नारायण। हाँ बगड़ावतों ने कहा सब महिमा महादेव की है, जय हो, हम तो महाराज आपकी राण देखने परखने आए थे, आपके माली में बुद्धि नहीं है, हमारी एक गलती वही है कि माली के माने मारियो है। राण के राजा ने कहा बड़े बड़े राज दरबार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो आप क्या मांगना चाहते हैं। सवाई भोज ने कहा महाराज कुछ नहीं, हमें तो भगवान शिव ने वो दिया है जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता, हम तो बस आपसे मिलने के लिए आए थे, सोचा राण के राजा से मित्रता करेंगे। राण के राजा ने विचार किया ये तो बड़ा बुद्धिमान है, सब भाई का नाम पूछा, सबने नाम बताई दिया, बाकी परिचय कसा दियो कि गढ़गोठा गांव हमारा, और बागरावत का लाल चेला हा रूपनाथ का, दन दन बोला नाथ, हम भगवान शिव के भक्त हैं, बागरावत जी का बेटा हा और रूपनाथ जी का चेला हा, गुरु को परिचय पहला दिया, पहले परिचय किसका दिया, मात पिता परमात्मा पति सेवा गुरु ज्ञान, इनसे हिल मिल चाली और भाई वो नर चतुर सुजान। जय हो, संसार सागर है, माता पिता एक नाव है, और जिसने करी सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, और माता पिता परमात्मा मिलता ना दूजी बार है। पर कारण यो है, अच्छा एक बात है, माता पिता एक जन्म में मिले, पति और पत्नी को तो सात जन्म तक को रिश्तों रहे मेरे बहन भाई, पर मोटा व्या लाड़ी लाया और कई तो कई दिया, अपन देख लिया सब के पिताजी के हाँ आवे नहीं तक कि अपने यार
नहीं आवे तो बने ही नहीं, नहीं, नहीं बने। अरे बेटा घणो दुख देखियो रे। अरे बेटा पहला चार कोस पगे जाता बस में बैठ के माँ से माँ गयो राते रात की 12 बजे तक भूखा मरियो जेदे थारी सगाई वही थी मारे नहीं मालूम हुआ सब पर आवे नहीं दकेगी सपा भी नहीं दकेगी। और भले ही नहीं दखे बाजू वही जाए फिर भी अगर बेटो कहीं बाहर चली जाए नहीं तो डोकरी रात की 11 बजे तक पूछे न्यू बहाने बहाने लाड़ी बोले ही नहीं भले ही छोटा बालक से पूछी ले छोरा थर पापा आया और जैसी सांकुल बाजे रात की 1 बजे हाँ क्या आई गोजे का बात माँ के नींद आए वो माँ अलग है फिर भी मेरे बहन भाई अच्छा एक बात है माँ ममता की मूरत होती है माँ को नाम लो नहीं तो मुंडा में पानी आई जाए पानी माँ और बाप को नाम लो नहीं तो मुंडो बंद हो जाए बाप वहां जैन सब सीमा समाप्त है। माँ ममता की मूरत है तो पिता भी पालनहार है मेरे बहन भाई धन था वो बेटा सरवण हो बेटा सरवणी पानी डो पिलाई ये मन में ने जब अपना परिचय दिया राण के राजा भी इनसे अच्छे प्रभावित हुए और कहा कि सवाई भोज मेरे मन में एक सवाल है ध्यान से सुनना निवेदन है। सवाई भोज महाराज बोलिया कैसा प्रश्न है महाराज आप करिएगा कि एक निवेदन के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं हम आपके कुछ बनना चाहें तो। सवाई भोज बोलिया जरूर महाराज हम आपसे कहीं बाहर नहीं है कि मैं आपका पागड़ी बदल भाई बनना चाहता हूं। सवाई भोज को बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा राजा अगर मुझे भाई बना रहा है तो बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। सवाई भोज का माथा की पागड़ी राणा जी का माथा पे धर दी और राणा जी के सिर पे राज्य मुकुट था वो अलग धरी और वापस पगड़ी मंगवाई। राणा जी ने आटा लगाया भोज का माथा पे धरी यानी राण का राजा और सवाई भोज पागड़ी बदल भाई बन गए। बाकी राण के दुर्जन सिंह राजा ने कहा राण गांव है राणा इनकी गोत्र है नाम इनका दुर्जन सिंह था। राण के राजा ने कहा कि गोठा के बगड़ा बताएं तो मदिरा मंगवा भाई है मेरा इनकी मनवार करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और बताऊं आपको एक राजा का राज दरबार में दो विद्वान गया एक राजा के राज दरबार में दो विद्वान गए। अब राजा साहब के पास में बैठा था एक विद्वान स्नान करने गयो एक वहीं बैठो। राजा साहब ने पूछी कि आपके साथ है वो भी अच्छे विद्वान है। अरे विद्वान नहीं बेल है वहां दूसरा संत एक विद्वान ने कही कि वो विद्वान नहीं बेल है।
अब राजा साहब ने हुआ तो एक की तो पूछी ली, अब वो स्नान करी नहीं गोर, दूसरो विद्वान स्नान करने गए। फिर राजा साहब ने पूछी, क्यों? वो आपके साथ अभी महाराज जी वो स्नान करने गए, वो तो अच्छे विद्वान है। के विद्वान नहीं घोड़ा है, एक ने बेल की कही दी, एक ने घोड़ा की कही दी, दोई को परिचय, दोई ने अलग अलग दई दे। दोई स्नान करी बोलिया के राजा साहब अब क्या है स्वागत में के पधारो। एक का सामने चारा को पोड़ो पटकी दी और एक का सामने चना को बग दो। दोई विद्वान नाराज भईगा के कही यो हमारो सम्मान है कि महाराज परिचय भी आपने दिया था कि एक तो बैल है एक घोड़ा है। जो परिचय आपने दियो उस तो मुंह खवाड़ी रखागे। तो केबा को मतलब यो है दो चार विद्वान मलिन हाथेन रह सके पर चार छह दारू वाला रह सके। वी भले आज लड़र काल पासा बेड़ा भाई जाए टेम टेम का। एक बात और है कि दो पांच विद्वान साथ में रह सके पर दो पांच चलम वाला जरूर साथ में रह सके। उस समय राण के राजा ने कहा, बगड़ावत आपको मद पीना होगा। चौबीसी भाई बोलिया कि हम मद नहीं पीते। क्यों? हम महादेव के भक्त हैं। आप महादेव के भक्त हो? हाँ। हम दारू नहीं पिएंगे महाराज, हमें शिव जी की भक्ति करना है, हम मदिरा पान करने वाले लोग नहीं हैं। राण के राजा ने कहा कि फिर इनके लिए ब्राह्मण देवता बुलवाओ, अच्छा भोजन बनवाओ। विप्र को बुलवाया, भोजन बनवाया, इन्होंने भोजन पाया और इनकी अच्छी खातिरदारी हुई। बाकी नहीं, मांस और मदिरा को इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। जना ने बाग में भोजन बनवाया, महादेव को भोग लगवाया, एक दिन रुकिया, दूसरे दिन जाने लगिया, फिर राणा जी ने रोक लिया, नहीं आप मेरे भाई हो, एक दिन और रुको। फिर रुकीगा, दूसरे दिन जावा लगिया, फिर रोकी लिया। अच्छा बगड़ावत तीन दिन वहीगा मां रहते रहते। पहली पहली मित्रता, बड़ा घर को व्यवहार। बोलिया कि ठीक है अब जाएंगे। राण के राजा ने कहा पधारो। फिर सवई भोज को ध्यान आया, भैया हम वो बगड़ावत हैं जो खा करके नहीं किसी को खिला करके खुश होते हैं। जय हो। हम जाता जाता ही राणा जी का जो 52 गांव का राजा है इनके भी बुलेला और महाराणा जी इन सबको एक दिन अपनी तरफ से भी पार्टी देना। के कहीं बनाना के बनावा भोजन पचधारी, ध्यान से सुनना, बनावा भोजन पचधारी और जीमावा सगला दरबारी। घी मंगावा, काजू किशमिश खोपरा, चचू बाड़ जी बोलियो खाने पीने वाला का सामने जो मदिरा पान करे नी, जो दारू पिए नी, उनका सामने भलाई से तम 56 प्रकार का भोग लगाई दो पर उनकी उनको खोपड़ो नहीं लगे, दिमाग वही जाए। एक बात और है कि कहीं का गांव में बारात जाए नहीं तो भले ही माँ कोई से पहली बार गया पर वो पीने वाला ठेको जरूर ढूंढी ले। तो भैया ये इनको अपन कहीं भी खिलाने से मतलब नहीं है, इनको मद मंगवाना पड़ेगा। सवई भोज बोलिया अपन पीवा नहीं तो कहीं भी हो। देखो गलती छोटी सी गलती है कि अपन पीवा नहीं तो कहीं पिलाई तो सकता है। बगड़ावतों ने कभी मद नहीं पिया, चौबीसी भाई ने, वो शिव के भक्त थे, बाकी खाली पिलायो थे कि यहां मद किन के घर मिलता है, दारू किन के घर मिलता है, कि यहां पर एक सिठानी है जिसका नाम है पातू कलारी। शंकर जी ने भेजी थी नहीं अभी कथा में सुनियो आप सब कि उस पातू कलारी के द्वार जाना होगा, वहां से मदिरा लेकर के आना होगा। सवाई भोज ने छोटे भाई नया जी से कहा, नया आप जाओ
नया जी कलालन के द्वार गया, जाकर के कलालन पर आवाज लगाई, कलालन मैं आपके यहाँ मदिरा लेने के लिए आया हूँ, फाटक खोलो। पातू, अब उसे सेठानी कहते थे लोग, अब इनने डायरेक्ट पातू कह दी, उन्हें तन बदन में आग बहेगी कि पातू पातू केवे कौन नगर को मानवी धारा कपड़ा धोला सफेद। हाँ। और पातू पातू कह रहा है, थोड़ा मान सम्मान से बोलो। नया जी बोलिया, कलालन फिर कलालन कहा, तू कहां से आया कि मैं गोठा का गुर्जर नया जी हूं, कि गुर्जर कहीं दारू पीबम समझे ही, पिए मटका माथना की छाछ। नया जी को तन बदन में आग हो गई थी, फिर तेरे पास दारू कितना है ऐसा कि 12 बट्टी मारा घरे चले, 13 बट्टी की गांव में मारे पार्टनर ही है, और थारा सर का तो मेरे यहाँ वो जो जल के कुएं बने हैं ना, वो में मगर माछला किलोड़ कर रहा है। नया जी ने विचार किया, फिर तो थारो दारू मोंगो होगा, कि एक प्याला का रुपया 50 और बोतल का 1000 और एक मटको भरी मद खरीदे जिनका भाव है अंतन पार। जय हो। उस समय महाराज नया जी कहने लगा, कलालन मत तुझे देना होगा। फिर कहा, फिर कलाली कहा, निकल जा यहां से, मैं मत नहीं दूंगी। नया जी सवाई भोज के पास गया, जाकर के दादा भाई से कहा, भैया उस कलालन को बड़ा अहंकार है, जय हो, मैं उसको पातू कहा तो उसने एड़ी टेढ़ी बात बताई। जय हो। और अहंकारी व्यक्ति का अहंकार चूर करने को काम सवाई भोज को थो, बुद्धिमान था, ज्ञानवान था सवाई भोज महाराज। और नेवाजी दोनों भाई कलालन के द्वार पे गए, अंधेरा हो रहा था, अंधेरी रात थी और दारू की बात थी। कलालन के दासी सांत थी, और बगड़ावत पहुंचे वो मज आधी रात थी। द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, सवई बहुत कसा बोलिया, बहन भाई साहब फाटक खोलो, मैं आपके यहां मत लेने को। सेठानी सोची, अबे आयो ग्राहक, कितनो सम्मान से बोलियो। अब उसने ऊपर झरोके में से देखा, पहला कहीं घर का दरवाजे मशाल जलती, अब वो मसाल वालो मई उबो तो उजाला में सवई बोझ दी, क्यार पाछे नयो जी भी नजर आई गो। कलालन ने पूछा, मेरे को आवाज किसने लगाई? सवाई भोज ने कहा, मैंने लगा बहन, मैंने लगाई बहन साहब। तो ये पीछे खड़ा ये कौन है? ये मेरा भाई है। तो फिर निकलो यहां से, एक भाई मारे एक तारे, कि हम मत लेने के लिए आए भाई साहब। नयो जी फिर बोल दिया, देखो दादा कितरो का मरने नहीं कलालन के। फिर कलालन कह दिया, सभी बोझ बोलिया, नया मैंने तो 1000 बार समझायो कि मुंह बात करू जे बिच्चे मत बोलिया कर। अरे भाई साहब ये छोटे हैं, आप बड़े घरों की महारानी के जैसे आपके ठाट बाट रुबाब है, और बड़े बड़े घर परिवार में आप अगर मद बेचती हो, इन्होंने आपको कलालन कह दिया तो कोई बात नहीं, नया की तरफ से मैं समा प्रार्थी हूं। जय हो। पर मुझे मत दो, मैंने बड़े बड़े राजा महाराजा का निमंत्रण किया है, और अब मैं मत लेकर के नहीं जाऊंगा, मेरी बात का सवाल है। कलालन ने विचार करियो, बात को सवाल है, नियो दारू अपन से खरीदेगा। सवाई भोज कहा कि मद मद कहीं करे भोजा, सुन ले मारी बात,
मत है मोंगा मोल को जेके लोंग को लागे बगहरे। और ये मत आपसे खरीदा नहीं जाएगा, मत बड़ा महंगा है। जाओ। सवाई भोज ने कहा या मारे भोज कही री तो सम्मान देने से लेने से पहले सम्मान देना होता है कलालन। सवाई भोज का मुंडा से भी फिर कलालन निकली। वो पातुड़ी कहने लगी आप भी आपकी सभ्यता भूल रहे हो भोज, कि आप मुझे सवाई भोज कह करके संबोधित क्यों नहीं करती कलालन। ए आग बबूल वही जी साहब, भोज से कहा सो तू दारू को प्यागड़ और दारू को खरीदबा वालो है तो थारी घोड़ी गिरवे छोड़ी जा। जय हो। कलाली को पता था यह घोड़ी आकाश से पाताल तक कहीं भी जा सकती है, ये शक्ति है। यह घोड़ी अपना घरे रखीला क्या सो दारू को पीबा वालो थारी घोड़ी गिरवे मेल। सवाई बहुत कहने लगा घोड़ी गिरवे नहीं छोड़ू यहाँ है शक्ति को उतार। जय हो। अणी घोड़ी का गला में 125,000 रुपया को सांकड़ो सोना को उन्हें गिरवे रख छोड़ी इन सांकड़ो पातू का सामने पटक दियो। कलालन कहने लगी परदेशी जो सांकड़ो नकली है के जा सोनार से जचा ले। कलालन जब सांकले को जचाने के लिए पहुंची सोनी जी के घर, तो वोनी सांकड़ाएं हाथ में नहीं लगी, खांदा पे धरीन नहीं लगी, नावा पक्का अंगूठा में घसीटती हुई ले गई गली बाजार में। सभी भोज बोलिया सही बात है नया, इसे बड़ा अहंकार है। सोनी के घर पहुंची, सोनी जी को नाम तो गब्बू सोनी गवादा। अब जैसे ही सोनी जी के घर पहुंची सोनी जी ने सांकड़ को देखा और कहने लगे बहन यू सांकड़ो पीबर सोना कोई थारा घरे चोर पड़ जाएगा तू घसीटती फरी रही ने बाजार में और पांव से झट खांदा पे धर लियो। घरे लाइन गई सवाई भोज तब तक भी वहीं खड़े हैं। कलालन ने कहा भोज रात ठगोरा आवे चोर, दिन ठगोरो सवाई भोज, तांबा पितल रो थारो सांकड़ो जे पे सोना हंदो जोड़। जय हो। दौड़ी तो फोरे ठगने आयो रे। सवाई भोज ने कहा कलालन में सत्य कलालन तो कीजे मत, और अब मैं दारू नहीं दूंगी जब तक तेरी घोड़ी को गिरवे नहीं छोड़ेगा। सवाई भोज को तन बदन में आग हो गई कि मेरी घोड़ी पर बार बार तेरी निगाह क्यों जा रही है, क्या हा थारी घोड़ी गिरवे मेल। इतना में तो घोड़ी के तन बदन में आग हो गई, घोड़ी टाप ठोकने लगी, कनौती खड़ी हो गई और घोड़ी मुंडे बोली कि भोजा जी पातू ही विचार करियो या घोड़ी तो बोले भी सही, दो तीन काम करे अबे तो जरूर राखनी। घोड़ी कहने लगी सवाई भोज हे मतवाड़ा आपसे एक ही मेरा निवेदन है कि कैसा कि अब ये लड़ाई तुम्हारी और पातू की नहीं रही, अब ये लड़ाई घोड़ी की और पातू की है। जय हो। घोड़ी ने पातू कलालन से कहा कि कलालन आप ऐसा करो सवाई भोज की हथेली की बीड़ भर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारे यहीं रहूंगी। अच्छा हाँ। पातुड़ी विचार करियो भीड़ भरने में कहीं लगेगा, एक दो पाव लगी जाएगा और कहीं हथेली में कतरो माए, हाँ ज्यादा से ज्यादा करेगा अपना दो आतन सवई बोझ को एक हाथ मान लो कतरो माएगा हथेली में यूं करके।
सवाई भोज ने मना कर दिया, नहीं मैं इस हार जीत से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि घोड़ी में तुझे हार जाऊंगा तो मेरे गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा। घोड़ी कहने लगी, भौजा जी आपको मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए, आप मेरे ऊपर बैठते हो तब तो आप मेरा भरोसा करते हो, और आज जब मैंने शरीयत लगा ली तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं। सवाई भौज ने कहा, घोड़ी मुझे भरोसा तो तेरे ऊपर बहुत है, पर कहीं ना कहीं हार गए तो फिर क्या होगा। घोड़ी ने कहा कि 12 वर्ष का वो वचन याद रखो कि आपको शंकर जी का आशीर्वाद है कि कभी हार नहीं होगी, आप जीत जाओगे। सवाई भोज आप हाथ का बीड़ मांडो और शिव का ध्यान करके आप बैठो, आपकी बात नहीं बिगड़ेगा। सवाई भोज बैठे हैं, बौली घोड़ी तो शक्ति का अवतार थी, वहीं दारू डाले और घोड़ी उन्हीं दारू ने खींचती जावे, इतना दूरा से नोनो हाथ दूरा थी वह घोड़ी पानी खींच लेती थी। साहब जब पातू कलाली पहले तो क्या लेकर के आई? एक पाव, कांच को पाव। पाव भर के लाई, हद्दी भर के लाई, बीड़ में डालियो बूंद नजर नहीं आई। जय हो। बोतल भर के लाई, बूंद नजर नहीं आई, मटका भर भर लाई। जय हो। 2-5 मटका तो अन्य कुड़िया परमेश नहीं पातु है, या थाकीगी 2-5 दाड़किया कर लिया का कूड़ो या घोड़ी राखनी अपने। वो श्रावण नाम को एक कुओ तो वो खाली, बाधवा नाम को कुओ भी खाली, 12 बट्टी घर की खुटी की, 13 खुटी की गांव की उदार, अब तो खाली बांडा बड़बड़ेर बटकी भरे कलाल। जय हो। बूंद नहीं बचियो साहब, एक बूंद नहीं बचियो, सब भोज की हथेली में समा गया। कोई श्याणा लोगों ने कही के भोज, अच्छा एक बात और वही थी इनके शरीयत वही थी नहीं जब नयो जी बोलियो थो के हमारी का तो घोड़ी दांगर या हरी की तो इनके यह शरीयत हुई थी कि बगड़ावत आप हारी का तो घोड़ी छोड़ी जाए जो पातू हारी की, तो नया जी ने की थी कि घोड़ा की पूंछ से बांधा कर फिर घोड़ा दौड़ाऊंगा। पातू ने कहा था मंजूर अबग्गा बुलानी के अबे तो घोड़ा दौड़ाएगा। कोई श्याणा लोगों ने कह दी कि सवाई भोज दया का सागर है, उसकी शरण ले ले बड़ा फायदा होगा। पातू कलाली भोज की शरण में पड़ेगी। सवाई भोज ने उठाया, नया जी बोलिया दूरा से, दादा माफ मत कर जो। सवाई भोज कहने लगे, नहीं नया, अपन ही सूरा की संतान, या है त्रिया की जात, ये अबला नारी शरण में पड़ी है, अब इसका बने सो सत्कार करना चाहिए, इसका सारा मद हमने इसको कंगाल बना दिया है। ये बहुत बड़ी सिठानी थी रान की। सवाई भोज ने 24 भाई के नाम की 24 सोने की मोरे दिलवाई और पाती कलारी को धर्म की बहन बनाई ली, इसीलिए उनका नाम सवाई भोज था मेरे बहन भाई। वो दारू लाइन में जनाना बाग में गया, अब श्रावण बाधवाम पानी पड़े, इतरो दारू कोई से पिवाए, थोड़ो थोड़ो पियो, आई तो ही मोड़ा वहीगा था, सब छका छक हो गया, वी मई फिर कुन रोटा खाए। उस समय सवाई भोज वो दारू लेकर के राण के पास में, आज भी भिणाई नाम का पर्वत है, कहां पहुंचे
रान के नजदीक आज भी बिनाई नाम का पर्वत है और जहां दारू डोलियो थो वो प्राचीन स्थल आज तक भी मौजूद है, वह जगह आज भी है हमारा। सवाई भोज महाराज ने जैसे ही वो भीड़ को भिनाई नाम के पर्वत पहाड़ के ऊपर उस हथेली को छोड़ा तो पर्वत फोड़ी रे जो पृथ्वी को भार उठाया था बासक राजा उनका फण पे जैन दारू की बूंद लगी गी महाराज। जय हो। अब इनने करियो तो सुलटो तो पर हो गयो उल्टो, पाताल में पृथ्वी को भार उठाने वाला बासक नाग के फण के ऊपर दारू की बूंद लगी कि बासक थर्रा गए कि ऐसे कौन से दुष्ट को जन्म दिया होगा भगवान ने जो चार महीना पानी पड़े जदे मारा ऊपर बूंद नहीं आवे। पर आज दारू की बूंद कहां से आई है? एक गुड़िया शांत हो जा बेटा, डबल प्रसाद देवाड़ू में तुम्हारे हो, कथा सुनो, आई मुंडो कर लो। एक गुड़िया हाँ बैठो, ये बहुत शांति से बैठ जाएगा बाबूजी, आप बिराजो। अच्छा कल आपसे पूछूंगा मैं आपसे कथा में सबसे कि आज की कथा में अब आपको सभी को ध्यान से कथा सुनना है, कल पूछूंगा कि मैंने आज की कथा में क्या कहा, आपको कल बताना है। आप स्कूल जाते हो तो वहां आपके सर पूछते हैं ना प्रश्न, अब कल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, कथा को ध्यान से सुनना, बात नहीं करनी है, ठीक है? पक्का? जय हो। उस समय पाताल में जैसे ही बासक राजा थर्रईगा बेल के बुलायो और कहा कि हे बल्लिया तू थोड़ी देर पृथ्वी को बाहर उठाई ले, मैं भगवान की कचेरी में जैन मारो न्याव करायो। बैल बोलियो न्याव तो मारो भी कराणो पड़े, मारे किसान 12 महीना जोते अंदाता। अच्छा संसार में दुखी सब छे, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख, राजा को भारी राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख शंकर को भारी, तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव है दुखारी। हरि के भजन के बिना सब जीव है दुखारी। उस समय देखो जो है बासक राजा जेर की कुल्ली फेंकता फेंकता भगवान की कचेरी में आया और आकर के बासक राजा नहीं बोलिया जेका पहला भगवान के बोलनो पड़ियो। अरे बासक राजा आप यहां फरी रे मां धरती का कहीं हाल वैराओ? बासक राजा बोलिया मारो न्याय हो जाए तो ठीक, नहीं तो था कि धरती जाने तम जानो, अपनी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो पृथ्वी के पृथ्वी अभी तो व्यवस्थित छोड़ी ना आयो, चिंता मत करो, अभी तो बंदा की गारंटी फिर वारंटी भी नहीं रहेगा। हाँ। अच्छा के हाँ बताओ क्या कारण के मेरे के ऊपर मत का छाटा किसी ने लगाया है? दारू कहां से लगी मेरे फण के ऊपर? भगवान ने ध्यान लगा के देखा के गोठा का बगड़ावत है। बासक राजा बोलिया के ठीक है फिर मैं बगड़ावतों को डसने के लिए जाऊंगा।
मैं बगड़ावतों को डसने जाऊंगा कि ठीक है आप डसे आओ फिर चले जाओ। बासक राजा जब गोठा की तरफ चलिया तो सवाई भोज को 6 महीने आगे 6 महीने पीछे। सवाई भोज 6 महीना आगे पाछे की बात करता था कि आने वाला 6 महीना हम कहीं वेगो जाए हो। सवाई भोज महाराज बोलिया सब भाई से कहा भैया कि हाँ दादा भाई कि आज अपने बासक नाथ दसने आई रही है सब भाई की नस नस में जेर भर देगा। अच्छा हाँ कि दादा बासक राजा को अपन ने कहीं बगाड़ियो कि काल दारू डोलियो उनकी फंड पे लागी हो। नयो जी बोलियो मत घबराओ दही लाकड़ी की मार ला खाना। सवाई भोज ने कहा वो बासक राजा ऐसा नहीं है, वो बासक राजा ऐसे हैं कि पृथ्वी का भार उठाने वाले हैं, उनको अगर हम मारना तो क्या मारने का साहस भी करेंगे तो सब देवता नाराज हो जाएगा। और एक दादा जब तो डसेगा फिर। सवाई भोज बोलिया फिर भी बची सकता है अपन कि कैसे कि जल्दी जल्दी केसर कस्तूरी का लीपड़ा लिपाड़ो। आंगन लिपवाया केसर कस्तूरी अंतर अबीर फूल गुलाल खूब बिछाई दिया। एक कटोरो दूध को, एक कटोरो नमक को, एक कटोरो दूध को, एक कटोरो नमक को, 2-5-10 जाके धर दिया। बासक राजा आया, दीपक लगी रिया, फूल अंतर अबीर गुलाल फूल फूलवाज बिछी रिया। बासक राजा ने विचार करियो वगड़ावत के कहीं मारी मालूम थी जो इनने स्वागत राख्यो, पर कई माला में इनका घरे रोज अशोच में होगा, आंगनों रोज सजाता वेगा। महाराज बासक राजा ने विचार करियो दूध पियो और फिर इनके डसुआ। दूध पियो मेल का आसपास एक परिक्रमो लगायो, फिर विचार करियो थोड़ो और दूध पीना आखा 24 के डसनो है। दूध पीने का चक्कर में नमक का कटोरा मुंडो चली गो, अब लून राम रस नमक तो खारो खारो लागियो। बासक राजा ने विचार किया कि इस घर फूल पे फरिया डसी सकता है, दूध पी कर डसी सकता है, पर ये भोज की चाल है कि जिस घर नमक खा लिया उस घर क्या नमक हरामी करना। ये पहला की बात है, पहला की अब एक ही नहीं है, अबे तो 17 रुपया में गंगा थोक ले लो। अच्छा एक बात है, पुरानी बात है, एक गांव में आखाज गांव का ने कोई ने कांच नहीं देखियो, तो कांच कांच नहीं मुंडो देखने को चेहरो देखा नहीं आप, दर्पण दर्पण कांच, बूढ़ा बालक छोटा मोटा कोई ने भी कांच नहीं देखियो। तो अब कारण असो यो के एक दादो पास में सो मेलो लागतो तो सगवती माता का मंदिर इतरो दूरो, मेला में गयो पहली बार 2 रुपया लेन करे घर से, मेला में गयो सबसे पहले कांच की दुकान पे नजर पड़ी, कांच उठाई देखियो। अब एक बात और है कि जेने कभी कांच नहीं देखियो तो क्या अपना चेहरा की भी यह कहीं मालूम कि नाक कसो है कि आंख कसी है कि मुंडो कसो है, अपने आप का चेहरा को भी पता नहीं है। जो दर्पण में मुंडो ही नहीं देखियो के कहीं मालूम कि अपनो चेहरो कसो है। अब पहली बार कांच उठाए और देखियो उमें एक और भाई साहब नजर आया दादा के, यो ऐसे हंसियो तो वो भी हंसियो। अब थो बूज बोलियो भाई साहब राम राम, के भाई साहब राम राम, और बढ़िया और बढ़िया। विचार करो यार पहली मुलाकात में भाई साहब कितना प्रेम से बोलिया यार,
अब यह नहीं मालूम के मुझ है। दुकानदार से बोलियो के क्यों सेठ जी, हाँ ई भाई साहब कितना की दिया वो के कई मालूम के कु नाम काच है के दर्पण है। दुकानदार विचार करियो अपने तो बेचनो कोई भाई साहब माने के दर्पण माने, भाई साहब सही अपने कहीं कर के 2 रुपया फट निकाल दे दिया। इतरो प्रेमी आदमी 2 रुपया मिल रही हो ले लियो। रास्ता में बात करता है और भाई साहब अब जितरो यो बोले रसोई मई से बोले बढ़िया बढ़िया। राम 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 राम। घर तक गयो जब तक ओनी कांच थी अत्रो प्रेम वैगोनी बंदा के शाम सुबह रोज घरे बात करे ओनी कांच थी। आ काका घर में पुरानो घर थो एक वो में ले जाए ओनी जुन्नी ओल्डिम टांगी दियो। अब यो श्याम सुबह रोज गुणगुण 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 करे। अब वो की धर्मपत्नी के शंका हुई कि यो गुणो वीर मई उन्हीं घर में जुन्ना घर में गुणगुण गुणगुण क्यों करे दिन रात। थोड़ो फिरी भी और भाई साहब बढ़िया बढ़िया। वह भाई गई उन्हीं जुन्ना घर में वो कहीं ओलकुआ पे चली गई नंदन में। जैन देखियो कण से बात करी भाई ने देखियो तो मां काच टंगी रही। अब ओने भी परमेश्वरी ने काच नहीं देखियो तो बाप जमारे। जैन दीवार पे से काच निकालियो गुर रहीन देखियो अन्याय से तो उन्हीं काच में भी गुर रहीन देखियो। ये बोली जत तो कहूं इनने दूसरी कर ली। दूसरी कहां से ले आया हूं। ये बोली थोड़ा नौकर तोड़ दूंगा तुम ऐसे भी थोड़ा नोक तोड़ दू। अब यह बर्तन बड़ा बड़ उड़ाने लगी। सासू बोली काये लाड़ी रोज तो बड़ी शांत वातावरण तीरे आज अतरी रीस क्यों तमार नहीं मालूम तमार छोरा ने दूसरी कर ली। काय वाप देख लो पुराना घर में। डोकरी गई उन्हें भी काज देखियो तो उन्हें डोकरी नजर आए। बोली काओ लाड़ी मार छोरा क्यों कलंक लगा रही है बूढ़ी डोकरी लायो। अरे के नी छोकरी है। अब वो छोकरी देखे जदे तो छोकरी नजर आए डोकरी देखे जदे डोकरी कर कहीं से डोकरो आ गयो। डोकरो बोलियो आपस में क्यों लड़ो आज तक नहीं लड़ी बड़ी प्रेम से रह रही थी। के मुंह कहूं के डोकरी रिया लाड़ी के छोकरी के देखा बताओ कहा है। डोकरो देखे तो दांत का पता ही नहीं वो मैं डोकरो नजर आए। तो ध्यान रहे केबा को मतलब है कि ये मेरे बहन भाई जब तक हम गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे गुरु एक दर्पण है हमारे सत्कर्म जब तक हमें नहीं दिखेंगे तब तक हम भव सागर से कभी पार हो ही नहीं सकते। उस समय बासक राजा तो वापस चलेगा कि जिस घर नमक खा लिया उस घर नमक हरामी नहीं करना। ये बात है बासक राजा भगवान की कचहरी में पहुंच गए महाराज और भगवान से जाकर के कहा भगवान मैं तो उनको डसने गया था पर उनके घर नमक खा लिया अब उनको नहीं डस सकता। अब आप ही जाओ और बगड़ावत के छड़ी ने आवो तो ही मैं पृथ्वी का भार उठाऊंगा। भगवान बोलिया कि अभी आप पधारो पृथ्वी को भार उठाओ ये मेरा वचन है। कौन वचन कर रहे हैं भगवान विष्णु। ये मेरा वचन है कि या तो मैं बगड़ावत को छड़ लूंगा नहीं तो किसी के पास भी छड़ ही दूंगा आप पृथ्वी का भार उठाओ। बासक राजा बोलिया ठीक है अब मुझे भरोसा है पर पृथ्वी को भार बैल के खांदा पे धरिन आयो बैल के किसान 12 महीना जोते ओको भी तो कहीं कहीं न्याय करो। उस समय भगवान ने कहा कि 12 महीना की 12 अमावस्या अगर जो कोई किसान बैल ने जोतेगा उसका 10,000 का नुकसान होगा। पर बैल की बात करो बैल की माज नहीं रखी तो बैल का ही न्याय कर रिया। Thank you.
बोलो गौ माता की जय हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि गाय केका केका करे है? हाथ ऊपर करीन बताओ जेका करे गाय है भी। जिनका घरे है बीज हाथ ऊपर कर जो। ईमानदारी की बात है यार, भगवान का पंडाल में बैठा है। अच्छा एक बात और है, आप सभी से निवेदन है, आज जोड़ी निवेदन है व्यासपीठ से मारो कि एक एक गाय जरूर पाल जो, तो आपका वो जो जगत का पालनहार है उसकी दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जिस घर गाय है वहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, और जिस घर से गाय को भगा दिया मेरे बहन भाई वहां देवता रहीन कहीं करे। जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता है, हमारी माता पिता तो हमें जन्म देने वाले हैं, बाकी संसार की जगत जननी गौ माता है मेरे बहन भाई। यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। उस समय देखो जो है, बासक राजा ने पृथ्वी को भार उठायो, भगवान दूसरे दिन बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया। भगवान ने विचार करियो ब्राह्मण वेश में तो और इज्जत मिलेगी, फिर वेश बदलियो। आंख से अंधे तन में कोड़, भिखारी को भेष, त्रिलोकी को नाथ भगवान आ गयो सवाई भोज के देश। देश भोज के आव गयो, और भोज की भक्ति भी बड़ी है विशेष। सवाई भोज को मालूम हुआ कि ये नेवाजी कल तो अपने बासक नाग डसने आया था, उनसे तो अपन ने विजय प्राप्त कर ली, पर अब हारना निश्चित है। क्यों? हमें भगवान छलने को आ रहे हैं। बगड़ावत बोलिया जे तो गया काम से। सवाई भोज बोलिया प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भैया भी भगवान तो है पर आंख से अंधा है। आप यूं मत सोचो कि अंधा है, वो बनकर के आ रहे हैं मात्र भैंस बना करके। तन में कोड़ है, हाथ में भिक्षा को कटोरो है, बिल्कुल भिखारी साधारण बन करके आ रहे हैं। तो हम कोई हमें सब भाई को उनसे छुआछीत नहीं करनी, दूर नहीं भगाना है, जितना हो सके उनके पास में जाना है, उनके चरणों को धोना है, चरणा मत लेना है, मस्तक पर लगाना है और चरणामृत पान करना है। और जैसे ही हम चरणामृत को पान करेंगे, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, और भगवान पसंद हो गए तो हमें आशीर्वाद भी देंगे। भगवान हमें आशीर्वाद दे करके जाना चाहिए। सब भाई में विचार विमर्श भाई को, ठीक है भगवान आया, अरे कोई इस घोट में है जो मन भूखा ने भोजन दे दे।
कोई मुझे प्यासे को पानी पिला दे, कोई मारी सेवा कर दे। अरे भगवान आज्ञा आज्ञा गोठा नगरी साचा मनु माने, अगर आनंद आ रहा हो तो सीधे हाथ कर ले सभी जोरदार ताली। ये भगवान बोलिया बोलिया मुखड़ा से गोठा नगरी के महल दरवाजे आए और आवाज लगाई। कैसी आवाज लगाई? भिक्षाम देही, कोई है? अब है नहीं, इतना था एक केता 21 ने आखा 24 आस पास वहीगा भगवान का। भगवान ने विचार करियो के ही तो आखा 24 आसपास वहीगा। भगवान कहने लगिया, कथा पर ध्यान दीजिएगा सभी। भगवान कहने लगा, भैया मार से दूरा रोरे मारे तन में कोड़े, ए एक भाई ने तो आईशा आज पकड़ लियो, एक ने आईशे पकड़ लियो। भगवान बोलिया, दूरा दूरा, अरे महाराज बा कोड़ है तो तुम्हारे, हमार थोड़ी है, पधारो। एक मोटी कढ़ाई लाया, पड़छो पूरी पानी से भर दी। भगवान ने विचार करियो कि लोग रोज ठाकुर जी भगवान राम जी यानी हर रूप में भगवान विष्णु है, सब भगत और नवाड़े, पर इनी मोटी कढ़ाई में आज हकीकत में नवाड़ेगा ही। भगवान बोले, अरे दादा कहीं करो, अरे नहीं नहीं गुरु जी तुम्हारा स्नान करावांगा। भगवान को उस समय सारे बगड़ावद स्नान करावा लगा। मेरे बहन भाई, तो कोई दूध लावे, कोई दही को मटको लावे। इतने में भगवान ने और ज्यादा कुष्ठ रोग बहाना प्रारंभ कर दिया।
कि देखा ही कदे तुम्हारे से छीत करेगा। और ज्यादा कुष्ठ रोग का जब वो दूध दही भी लाल होने लगा रक्त से, तो सवाई भोज कहने लगे आप भगवान हैं तो मैं भक्त हूं। जो वो कुष्ठ रोग का पानी बह करके जा रहा था, सवाई भोज ने एक बार पिया, दूसरी बार पिया और तीसरी बार पीने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि सवाई भोज जय हो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुझे छलने आया था पर तूने मुझे उल्टा छड़ लिया है। मांग ले, क्या मांगना चाहता है वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। जय हो, बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। भगवान ने कहा तो सवाई भोज ने कहा कि आप मुझे क्या दोगे कि जो तू मांगे, कि आप भगवान होने के हाँ कि फिर ऐसे कौड़ी कष्टी बन करके क्यों आए कि तुझे चलने आया था, कि मुझे अगर आप देना चाहें तो यहां किसी बात की कमी नहीं है। भोज को पता था कि मांगने से तो नहीं मिलेगा, जो बिन मांगे मिलेगा। सवाई भोज ने कह दिया कि अन्न धन लक्ष्मी बहुत बढ़िया शिव जी का भंडार, आप तो हमें नारायण रूप में दर्शन दो, चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन चाहिए। भगवान ने विचार करियो आया था छलने, पर अपन खुद भी लाग गया भी दलने। दादा भोज की भक्ति बड़ी अपार, ये त्रिलोकी के नाथ भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन दिया। 24 बगड़ावत तक तकी लगा करके देख रहे कि धन्य भागे हमारे। उस समय फिर भगवान ने कहा मांग लो रे, देने के लिए तैयार हूं। कह दिया आपके दर्शन जिसे मिल जाए उसे सारे जहां में जीना भी आ गया, और दर्शन की प्यासी अखिया अगर अब दर्शन कर रही है तो अब तो धन दौलत की तो हमें दुर्गंध आएगी भगवान, अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके दर्शन हो गए बस आनंद। फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दियो कि जैसी आपके माया 12 साल की शिव शंभू शंकर भोलेनाथ ने दी थी, जाओ 12 साल की अवधि और मारी तरफ से बढ़ाई रही हूं, 12 दुनी 24 की वही। जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अच्छा आप सभी की आवाज आनी चाहे, बोलो देव नारायण भगवान की, और जोर से बोलो सारू मैया की जय हो। जय हो, आप सभी की जय हो, भगवान देव नारायण की भी जय हो। उस समय भगवान तो वहां से अंतर ध्यान गया, बाकी ध्यान रहे। भगवान ने विचार करियो जनगर आदमी चात्रों करे उन्हीं घरे लुगई जरूर भोली रहे। भोज की पत्नी जिसका नाम साडू है, तो मैं साडू गुजरी को कल की कथा में आपने सभी ने सुना कि साडू जी काई की बनी थी, लकड़ी की कठपुतली। भगवान शिव ने कहा था कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू भगवान विष्णु की भक्ति करना, एक दिन भगवान विष्णु तेरे द्वारा आएंगे। वही दिन आया है, माता साडू तन का ऊपर एक भी वस्त्र नहीं था, अग्नि के ऊपर बैठ करके अग्नि के स्नान करती थी, सवा पहर दिन चढ़े तब तक। भगवान विष्णु साडू माता के द्वार बूढ़े ब्राह्मण के भेष में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देही। माता साडू ने दरवाजा पे दासी हीरा के छोड़ दी थी कि हीरा कोई भिखारी आवे बाने भिक्षा दीजे, प्यासो आवे पानी पिला जे, कोई अपने द्वार से खाली नहीं जाना चाहिए। कि ठीक है, अभी माता साडू अग्नि का स्नान करती थी, तन का ऊपर एक भी वस्त्र नहीं रखती थी। जैसे ही हीरा दासी
भगवान के पास भिक्षा लेकर के पहुंची। भगवान ने विचार करिया, साड़ू नहीं आई है तो हीरा दास ही आई रही। भगवान ने कह दिया, एक घर बेटी दूसरे घर बउआ, इस घर कहाई दासी, मैं तेरे हाथ से भिक्षा ले लूंगा, मेरी तीन लोक में हो जाएगी हाँसी। थारी साड़ू माता जिस हाल में जिस अवस्था में बैठी है, ऐसी की ऐसी बिना वस्त्र के मेरे पास में आ जाएगी तो ठीक, नहीं तो मैं श्राप दे करके चला जाऊंगा। जय हो। हीरा दासी विचार करियो कि साधारण महात्मा नहीं है, अब यह थोड़ी मालूम कि भगवान है कि इनने मारे दासी की कही दी तो फिर माता साडू के श्राप दे सके। दौड़ी दौड़ी माँ साडू के पास में हीरा पहुंची। मैया, आज तक आपकी भक्ति में मैंने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है, पर आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके द्वार पर एक कोई ब्राह्मण आए हैं, उनको मैं भिक्षा लेकर देने गई थी, उन्होंने एक ही बात कही है कि मेरे हाथ से वो भिक्षा नहीं लेंगे, आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। साड़ू माता बोली, कोई बात नहीं, मैं चले जाऊंगी। कि मैया ऐसे थोड़ी जाना कि कैसे फिर, कि जैसी बैठी हो बिना वस्त्र के ऐसे जाना है। साड़ू माता बोली, क्यों घबराती है, उन्होंने यही कहा है क्या? हाँ, उन्होंने यही कहा कि आप बिना वस्त्र के पधारो तो ही भिक्षा ग्रहण करेगी। माता साड़ू बोली, अरे हीरा, मैं जिसके नाम के भजन कर रही हूं, जिनका इंतजार कर रही हूं, वही मेरा इंतजार बाहर कर रहा है। अब घबराने की बात नहीं है दासी, मैं उनके पास बिना वस्त्र के जाऊंगी। माता साड़ू के तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं है और हाथ में भिक्षा की थाली लेर भगवान विष्णु के पास में पहुंची। भगवान ने मुंडो फेर लियो, मेरे बहन भाई, और कहा, साड़ू तू बिना वस्त्र के मेरे पास में आई, आपने शर्म नहीं आई? माता साड़ू बोली कि संसार के जितने नर नारी ने जब भी मां के गर्भ से जन्म लिया है, उस दिन अगर आप वस्त्र पहना करके उनको भेजते हैं, तो आज मैं भी आपके सामने वस्त्र पहन करके आती। आप माता, आप पिता, आप जगत के दाता राम, आपने जिस प्रकार संसार के नर नारी को भेजा है, वैसी की वैसी मैं आपके पास में आई हूं। भगवान ने सती के आशीर्वाद दियो, साड़ू माताएं तन घटियो, सिर का केस बढ़ा भी अपने आप केस बढ़ा वहीगा। केस में माता साड़ू को पूरो अंग ढकी गो। तब भगवान ने कहा, मुंडो फेरियो माता साड़ूवाड़ी के, धन्य है शक्ति, हे सती साड़ू, आपके सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। बोलो सती मात की जय हो। भगवान ने कहा, मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? माता साड़ू बोली, आप भगवान होने के, हां के, फिर आप ब्राह्मण बन के क्यों आया? कि आपको छलने हैं, कि छल लो, मैंने कम मना किया है। कि धन्य है साड़ू, मैं तो ही छलने आया था, उल्टा तूने मेरे को छल लिया। मांग ले, जो मांगने चाहती वो मुझे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। माता साड़ू बोली, अगर देना चाहे तो बस, मैं मात्र एक ही मेरे मन में आस है कि कैसी, कि मुझे श्री कृष्ण रूप में दर्शन दे दो। बताओ क्या मांगा? कृष्ण रूप में दर्शन। भगवान ने कहा, धन्य है साड़ू, धन्य है थारी भक्ति, श्री कृष्ण रूप में भगवान ने माता साड़ू को दर्शन कैसे दिया था? मोर मुकुट पीतांबर सोवे, गले बेजंती माला, हाथ में बंसी बजा रहा मुरली वाला। माता साड़ू तक तकी लगा करके देख रही और दर्शन कर रही है। यदि मन गड़ा लुपाड़ा लागो जी, श्याम मुरली वाला।
गोपीलाल जी पार्टी बड़े आई की हमारे साथ। अच्छा सर सीधे हाथ हो जाए और ताली के साथ में भजन का आनंद लेना है। आई से भी एक तो उठिया वाले ये जाम हो मोर मोर गुट पी तांबर सोवे तांबर वाला श्याम तांबर दर्शन किया। फिर भगवान ने कहा मैया अब भी मांग लो, तो माता साडू ने कहा था कि वचन अगर निभाओ तो मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मैं जन्म की बांझ हूं। भगवान ने कह दी थी कि सारा बगड़ावत रण भारत में समाप्त होगा, सब गुजरी अपना अपना पति का संत में सती वेगा, मैं आपकी गोदी में उसके बाद में कमल के फूल में माला सर डोंगरी पर उतार लूंगा, आप भगवान के नाम की भक्ति करना। जय हो। प्यारे सजनो टाइम को पाला मिली पड़ी पौना चार बजवाली, मुंह तो भूल ही गयो तो आज को टाइम, तो आज की कथा का बस यहीं की जगह विराम है। कल की कथा में
जगदम्बा भवानी बगड़ावतों को चलने के लिए अवतार लेगी। ध्यान से सुनना, कल की कथा में राणा जी का विवाह, बगड़ावतों का भारत, रानी को राण से लाना, राण से लाने के बाद में बगड़ावत और राणा जी का भारत, बगड़ावतों को शीश की माला पहनाना, और कल की कथा में देवनारायण भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो सब अधिक से अधिक संख्या में पधारे, जन्मोत्सव की अच्छी तैयारी करें, दूध दही माखन मिश्री अवश्य लेकर के आए, और हर घर के दरवाजे दीपक जरूर लगना चाहिए शाम को। जय हो। लगा रहे हो? कल लगाया था तो आज भी लगाना है, और आज नहीं अभी जब तक कथा चले तभी तक लगाना है रोज ही। सप्ति दिवसीय कथा में से आज दो दिन गया है, पांच दिन और शेष आप और हम सबके बीच में बचे हुए हैं। सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, जजमान पधारे, आरती की तैयारी करें, और सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर ही पधारेंगे। कल भी आप सभी को 12:15 कथा पांडाल में पधारना है। विवाह जन्मोत्सव की अच्छी धूमधाम से तैयारी करनी है, भगवान का जन्मोत्सव की।